हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइए। ठीक हैं? सब बढ़िया चल रहा है? आज आपका एक नया अध्याय होगा 13.5। क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। कुछ ना समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं, आप उन्हें देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। आपके काम का है, जैसे टाइम शेड्यूल वगैरह है, ये आपके बहुत ही हेल्पफुल है। 13.4 तक आपने सब पढ़ लिया है। अगर उसमें कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी कहना है, तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? और 13.5 आज हम शुरू करेंगे। इसमें 13.878 तक है शायद, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका 14 नंबर चैप्टर शुरू होगा और उसमें भी हम लोग प्यार से अंत तक पढ़ेंगे, ठीक है? ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जैसे कहा जाए कि ये दो डिब्बी है ना, इन्हें देखो मगर प्यार से। अगर इनको पिघला दिया जाए, जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं लोहा को गला करके कुछ और बनाया जा रहा है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको छोटी छोटी गला करके रिसाइकल करके कुछ नया बनाते हैं ना, तो कुछ ऐसे ही इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे हम लोग। इसको गला करके अगर ये डिब्बी बनाई जाए, मान लो इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर यानी व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो कहेगा अगर इन दोनों को गला के ये डिब्बी बनाएंगे तो इसकी जो हाइट और डायमीटर है वो क्या होगा। कुछ ऐसे ही पूछा जा रहा है इसमें, समझ रहे हो ना? जैसे दो रोटी बनाने का आटा ले लो इतना सा, और कहा जाए कि दो रोटी तो बन जा रही, ठीक है, लेकिन दोनों को एक में मिला दो, अब बताओ कितनी बड़ी रोटी बनेगी। ऐसे कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन। हिंदी में नीचे लिखा देख लीजिए, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा द मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। वाट विल बी द वैल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 such boxes। यानी इनका मतलब ये है कि एक माचिस की डिब्बी है जिसकी माप 4 सेंटीमीटर है लंबाई, और इसकी चौड़ाई 2.5 है, हाइट 1.5 है। तो ऐसी ही अगर 12 डिब्बियाँ ले आएँ तो उनकी जो हाइट मतलब और ब्रीथ वगैरह होगी वो क्या होगी। देखिए ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये यही इसी के बारे में बात कर रहा है, माचिस बॉक्स की। कह रहा है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, दिख रहा ना आप लोगों को, इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 है, एंड इसकी जो हाइट है, इसको ऐसे रखा जाए, इसकी हाइट 1.5 है। तो कह रहा है इसी तरह से अगर 12 माचिस की डिब्बियाँ ले लिया जाए, 12, उनको एक ऊपर दूसरा रख दो, तीसरा रख दो, ऐसे रख दो, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपको फाइंड करना है। अभी रखा तो एक आध और है लेकिन मैं नहीं लाऊंगा, आप ठीक है, टेंशन आप उसके लिए मत लीजिए बिल्कुल भी। आइए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी चीजें आप समझ गए होंगे उम्मीद है। प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया, इसको रखिए साइड में। तो क्या क्या लिखोगे आप, पहले लिखो माचिस के एक डिब्बे का आयतन, वैल्यूम ऑफ वन बॉक्स ऑफ मैच बॉक्स, लिख लो माचिस के एक डिब्बे का आयतन बराबर, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, माचिस के एक डिब्बे का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच। इस तरह के क्वेश्चन साथियों बहुत इजी होते हैं, वेरी इजी होते हैं, एकदम सिंपल होते हैं, ठीक है। इसमें देखो लेंथ 4 दी गई है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चाहे तो आप इसे लिख सकते हो अलग से पर्टिकुलर, ना चाहो तो मत लिखो, ठीक है। यल का वैल्यूम कितना दिया भैया, 4 दिया है बाबू, ये 4 इंटू आपका जो बी है 2.5 दिया है, इसको 2.5 रख दो, और ये 1.5 सबका मल्टीपल करना है। देखो सीधा सा बात है, गुणा करना हमें पहाड़ा नहीं आता, फिर भी कर लेंगे, कैसे? अगर हम 25 का 4 में गुणा करेंगे 100 होता है, सबको पता है। एक अंक पर दशमलव लगा, इसलिए यहाँ पर पीछे से 1 डिजिट पर 0 लगा के ऐसे लिखेंगे 100 ना, इंटू 1.5। अब देखो एक प्रकार से दशमलव के बाद में जो 0 लगा है इससे कोई मतलब है नहीं, दशमलव के बाद 0 लगा इससे कोई मतलब नहीं, चाहे तो लिखे रहो अपनी इच्छा के लिए, इसका दशमलव भूल जाओ। यहां से देखो अगर ये 10.0 मान लो, इसको 1.5 मान लो, दशमलव भूल करके हम लोग गुणा करते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा भैया 1500 बाबू, ठीक है। लेकिन 1 और 1 ये पीछे से 1-1 डिजिट पे पॉइंट लगा, यहाँ पे फाइनल 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा, हम कह सकते हैं 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा, यानी 1515.00 ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बैलूम निकाल रहे हैं, मीन्स आयतन निकाल रहे हैं, बात पक्की। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया क्योंकि अभी ये सिर्फ एक डिब्बी का आयतन था,
क्वेश्चन में नीचे कह रहा है कि इस तरह के 12 मैच बॉक्स का वैल्यूम आपको फाइंड करना है। नीचे लिखिए, इसलिए 12 माचिस बॉक्स का आयतन बराबर, इसलिए 12 माचिस बॉक्स का आयतन बराबर। तो भैया हो 12 से इनको गुणा कर दो बाबू, ऐसे 12 पंचे 60, हाँ फिर 6, 12 एकम 12, 12 6 18, यानी ये हो गया 180। और मैंने क्या किया, हाँ दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, दशमलव भी हटा दो, सब हटा दो, 180 ये सेंटीमीटर का क्यूब आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 13.5 क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, एक सेकंड रुक जाइए, मैं क्वेश्चन को कहीं साइड में सटा देता हूँ, फिर आप लोग इनका फट से स्क्रीनशॉट ले लो झट से और फिर आगे बढ़ जाओ, जल्दी करो। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट का टाइम ओवर होता है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए स्क्रीन पर आ चुका है, आपको याद दिला दूं आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.5, ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हिंदी में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ दे रहा हूं, आप क्वेश्चन सुनिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी लैंग्वेज में नीचे क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, देख लीजिए। कह रहा आ क्यूब क्यूबिकल वाटर, मतलब अजीब टाइप का है क्वेश्चन, एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। कह रहा आ क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इफ 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000। मतलब कह रहा है कि एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है जो कि 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर वो गहरी है, यानी ऊंचाई उसकी है, तो कितना पानी इसमें आ सकता है यदि 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000। दिखाता हूँ, पानी की टंकी तो वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें दिखाने की कोई बात है नहीं, वो घनाभ आकार की मतलब चौड़ी वाली पानी की टंकी, जैसे पहले ट्यूबवेल वगैरह हुआ करती थी खेत में, ठीक है। तो इसमें लिख लो क्या क्या दिया है, लिखो गिवन, गिवन मीन्स दिया है, क्या दिया है, देखो यल दिया है, लिखो भाई लिखो, यल दिया है 6 मीटर, बी दिया है इसकी चौड़ाई कितना है 5 मीटर, यच दिया है 4.5 मीटर, ओके। कह रहा कि पानी की टंकी में कुल कितना पानी आएगा, कितना लीटर आ सकता है, यही हमें निकालना है। लिखो पानी की टंकी में कुल पानी आएगा बराबर टंकी का आयतन, भाई जितना टंकी का वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी आएगा ना, तो लिख लो टोटल वाटर होल्ड, इंग्लिश में लिख लो वगैरह वगैरह, हिंदी में लिख देता हूँ। देखिए बच्चा मैंने इसको तो लिख दिया है, इंग्लिश वाले इसको ऐसे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, पानी की टंकी का आयतन बराबर, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने के लिए इतना लंबा लिख दिया, नहीं तो मैं ऐसे भी बता सकता था पानी की टंकी का आयतन बराबर, फार्मूला लगा तो बस हो गया ही करना है, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा लिख दिया, ठीक है, ओके। तो लिख लो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन यल इंटू बी इंटू एच, यल देखो 6 दिया भैया, ये 5 दिया बाबू, ये 4.5 दिया है, गुणा कर लो ये 30 हो जाएगा, ये 4.5, गुणा करना तुम सबको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं, ये क्वेश्चन को साइड में कर दो, इसे साइड में हटा दो, यहाँ से भी इसका कोई काम तो है नहीं वैसे फिलहाल, इधर लगा दो, कितना आएगा, एनीवन कोई कर सकता है, बोलो कर सकते हो तो, देखो बता देता हूँ, 0 उतार लो, 3 का गुणा करो 15, 5 हासिल 1, 3 चौक 12 एक 13, पीछे से 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दो, तो थोड़ा इसमें दूरी कर देते हैं, 1 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे, ये देखो 135 आ जाएगा ना, वैसे ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लिखा है, आंसर तो वही आएगा, थोड़ा ज़्यादा जगह था बीच में, सेंटीमीटर का क्यूब। इसमें कुछ और भी दिया था क्या, हाँ इसमें कह रहा था कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये दिया है ना, तो यहाँ नीचे लिख लो चूंकि, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसलिए
135 मीटर क्यूब बराबर, इसमें भैया हो 135 में बाबू 1000 से आप मल्टीपल कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा 135,000 लीटर। क्यों सही जा रहा है ना, ये हो जाएगा लीटर। ये आंसर हो गया पानी की टंकी में कुल आने वाला पानी की कैपेसिटी हो गई। उम्मीद है आप समझ गए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, बहुत जल्दी करें, क्वेश्चन हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बस बने रहिएगा हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक घनाभाकार का बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 3। इंग्लिश में क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अ क्यूबॉइडल बिजल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाइट मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। एक बार फिर से सुन लीजिए, अ क्यूबॉइडल बिजल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाइट मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। सिंपल है, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, लिखिए गिवन, गिवन गिवन में क्या लिखोगे भाई साहब, इसकी लेंथ दी है 10 मीटर एंड बी मींस इसका ब्रॉड क्या बोलते हैं उसे, मतलब चौड़ाई वो कितना दिया है, मुझे लग रहा है 8 मीटर ना, हाँ, तो EH बराबर हमें फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम भी दिया है यानी बी इक्वल 380 दिया है, ये सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया है, मीटर क्यूब दिया है क्योंकि ये इसकी जो इकाइयां हैं वो सब मीटर में है। ओके, जो भी दिया गया है देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल, या फिर घनाभ का आयतन बराबर लिखो, लिख लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल एल इंटू बी इंटू एच, हिंदी में लिख लीजिए घनाभ का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच, तो ये कितना दिया 380 इंटू बराबर सॉरी इक्वल, सभी मान जो भी है रख दीजिए, एल मतलब 10, बी मतलब 8 जो कि दिया है, ये हमें फाइंड करना है, ये 380 इधर साइड मल्टीपल करोगे तो 80 इंटू एच हो जाएगा, इधर आएगा भाग हो जाएगा 380 में, अगर आप इसे 80 से भाग करोगे भाई साहब कितना जाएगा मालूम है, कुछ मालूम है, करके देखो ना, 0 0 कट गया, इसको 8 से भाग करोगे तो 8 चौक 32 और 6 बचेगा हो जाएगा 60, तो 8 7 56 यानी फाइनल में 4.75 मीटर बराबर एच आएगा, यानी उस टंकी को उस बर्तन को 4.7 मीटर लंबा बनाया जाना चाहिए जिसमें 380 मीटर द्रव आ सकेगा। द्रव का मतलब कोई भी लिक्विड, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। इस तरह से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन डन हुआ, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। और हाँ एक चीज और, अगर अभी तक आपने पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आप घर बैठे पढ़ सकें। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, इसे देख लीजिए। 25 जून 2022 से आपकी क्लासें चैनल नंबर 3 पर शुरू हो चुकी हैं। हाँ शुरू हो चुकी है, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और हो सकता है अगर आप इस क्लास को पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर देख रहे हैं, बाबू नीचे देख लो ध्यान से, तो 25 जून के बाद में आपको फिर अब हो सकता है एक दो दिन बाद ये क्लासें इस पे ना मिले, क्योंकि 25 जून से ये क्लासें उस पर ट्रांसफर हो चुकी हैं। कुछ बच्चों को नहीं पता था इसलिए अभी भी इस चैनल पर क्लासें हो सकता है चल रही हो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पे, क्योंकि इस पे ज्यादा बच्चे हैं, 4 लाख हैं, उस पे केवल 15,000 बच्चे हैं, वो 9th-10th वाले हैं सिर्फ, इसमें SSC वाले भी हैं, CTET वाले भी हैं, सुपर टेट वाले भी हैं, सब हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत थैंक यू, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, इंतजार रखिएगा, इंतजार करिएगा कल के लिए, वही टाइम है शाम को 6 बजे, धन्यवाद।